अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक या शेयर मार्केट भी कहते हैं, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो कंपनीज इशू करती हैं को खरीदा और बेचा जाता है। अब भी समझ नहीं आया? ये आपके टिपिकल बाजार से ज्यादा अलग नहीं है। बस यही है कि यहाँ फल या सब्जी की जगह एक कंपनी की फाइनेंशियल असेट्स जैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब ये शेयर क्या होता है? शेयर एक कंपनी का ऐसा हिस्सा होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसमें कोई भी आदमी जैसे आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक कंपनी की वैल्यू को एक पिज्जा की तरह देख सकते हैं और हर एक इक्वली बंटा हिस्सा एक शेयर की तरह। तो जितने ज्यादा शेयर्स एक कंपनी इश्यू करेगी, मतलब जितने ज्यादा स्लाइसेस, उतनी ही कम शेयर की बाइंग वैल्यू हो सकती है। तो मान लो एक कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करती है जो उसके प्रॉफिट्स में बहुत बढ़ाव लाता है, तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल साइज भी बड़ा है। तो मान लो आप एक शेयर को 10 रुपए पे खरीदते हो और उसकी वैल्यू 25 रुपए तक चली जाती है और आप उसी दाम पे उसको बेच देते हो, तब आप टैक्सेस और ब्रोकरेज से पहले टोटल 15 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर बना सकते हो। पर ये मार्केट है कहाँ? कहीं भी नहीं। ये सब वर्चुअली किया जाता है आपकी स्क्रीन पर, जहां शेयर्स के दाम बस कुछ ही सेकंड्स में बढ़िया घट सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये सब आपको जितना भी एक्साइटिंग लगे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बनाना सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, क्योंकि किसी को फॉर श्योर पता नहीं होता कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। अब आप ये सोच रही होगी कि कंपनी को शेयर्स ऑफर करने से क्या मिलता है। अपने फाइनेंशियल असेट्स पब्लिक को ऑफर करना बस कंपनी का एक तरीका होता है जिससे वो अपने ग्रोथ के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। अब इन स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको हम स्टॉक इंडाइसेस कहते हैं। इनसे हम किसी भी पर्टिकुलर समय की ओवरऑल स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। जैसे अमेरिका में S&P 500 हमें उधर की टॉप 500 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, और निफ्टी 50 इंडिया में हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इनसे आपको कब इन्वेस्ट या ट्रेड करने का आइडिया मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हैं कुछ अलग अलग देशों की स्टॉक इंडाइसेस। थैंक यू।